गुड मॉर्निंग क्लास क्लास दिस इज योर लेक्चर नंबर वन ऑफ चैप्टर नंबर सेकेंड. तो इन अर्लियर चैप्टर वी हैव रेड अबाउट टू कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. हमने कॉमन और प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा था. अब और भी तरीके के नाउन्स होते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है, कंक्रीट है, कंपाउंड है. तो आज हम इस चैप्टर में इनके बारे में पढ़ेंगे, है ना. तो लेट्स लर्न. एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नेम्स ऑफ आइडियाज, थॉट्स, कॉन्सेप्ट, स्टेट्स ऑफ बीइंग, रिलेशनशिप, क्वालिटीज, फीलिंग, इमोशन, थ्योरीज एटसेट्रा. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या होता है, हमने हमारे जो विचार हैं, हमारे जो आइडियाज हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, है ना, जो भी जिस भी हालत में हैं हम, स्टेट ऑफ बीइंग में, है ना, जो भी रिलेशनशिप में हैं हम, है ना, या हमारे अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं, विशेषताएं हैं, फीलिंग्स हैं, जो भी हमारी भावनाएं हैं, हमारी जो भी इमोशंस हैं, है ना, हम जो भी हमारे विचार हैं, थ्योरीज हैं, वो सब कुछ जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है. वी कैन नॉट सी, टच, हियर, स्मेल और टेस्ट दीज नाउन्स. और इन नाउन्स को हम लोग कभी ना तो छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं और ना ही स्मेल कर सकते हैं. एंड दे कैन नॉट बी मेड प्लूरल. और हमें प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं हमें. जैसे हैप्पीनेस, पॉवर्टी, पीस, ब्यूटी, चाइल्डहुड, है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर यूजली द नाउन फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और वर्ब्स. ये क्या होते हैं, ये यूजली एडजेक्टिव या वर्ब्स के ही फॉर्म्स होते हैं. जैसे काइंड एक एडजेक्टिव है, एक है ना, तो यहाँ पे काइंडनेस कर दिया हम लोगों ने, है नाउन फॉर्म में आ गया. तो वही ग्रो का ग्रोथ, प्लीज का प्लेजर, वाइड का विथ, तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए हमारे, है ना. अब आते हैं हम कंक्रीट पर. कंक्रीट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ प्लेस, पीपल, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स दैट वी कैन सी, टच, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील. ऐसी चीज़ें, ऐसे इंसान, ऐसे जानवर, वो सब कुछ जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वही कंक्रीट नाउन कहलाते हैं. फील यानी महसूस करना, टेस्ट यानी स्वाद लेना, टच यानी छूना, हियर यानी सुनना, स्मेल सूंघना, है ना, सी देखना. तो ये सब जो हम करते हैं वही कंक्रीट नाउन कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फ्लावर, कंगारू, चॉकलेट, ट्रेन, तो ये सारे कंक्रीट नाउन हमारे आ जाते हैं, है ना. नाउ बेटा वी कम ऑन पेज नंबर 10. इन ऑन दिस वी विल लर्न अबाउट कंपाउंड नाउन. क्योंकि हमने एब्स्ट्रैक्ट सीख लिया है, हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट सीख लिया, अब हम कंपाउंड नाउन सीखने जा रहे हैं. तो एक कंपाउंड नाउन इज मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स. जब दो या दो से ज़्यादा शब्द एक साथ मिल जाते हैं तो वो कंपाउंड नाउन कहलाते हैं. द फर्स्ट वर्ड डिस्क्राइब्स एंड आइडेंटिफाइज द सेकेंड वर्ड इन अ कंपाउंड नाउन. पहला वर्ड जो होता है वो सेकेंड वर्ड को डिस्क्राइब करता है या उसको आइडेंटिफाई करता है, पहचान उसकी बनाता है. ए कंपाउंड नाउन मे हैव मेनी कॉम्बिनेशंस. कई सारे कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं इसके. जैसे बेटा देखिए, नाउन प्लस नाउन, अगर दो नाउन को हम ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए टूथ और ब्रश, दोनों ही नाउन हैं, हमने इनको ऐड किया तो हमें बन गया हमारा टूथ ब्रश. ऐसे ही मोटर को और साइकिल को हमने ऐड किया, मोटर अलग होता है, साइकिल अलग होता है, दोनों ही नाउन है, ऐड किया मोटरसाइकिल बन गया. ऐसे ही अगर हम एडजेक्टिव और नाउन को ऐड करते हैं, मान लो एडजेक्टिव यानी विशेषताएँ हमारी जो भी हैं, विशेषण कह सकते हैं, तो विशेषता जैसे ब्लू कलर दिया हुआ है हमें, ब्लू कलर का है क्या चीज़, कोई भी चीज़ ब्लू कलर की है, तो ब्लू हमारा एडजेक्टिव हो गया प्लस नाउन हमारा बेरी हो गया, तो ब्लू बेरी, ब्लू बेरी बन गया. ब्लैक बोर्ड मिल करके ब्लैक बोर्ड बन गया, है ना. यहाँ पर जैसे कि टूथ था, दांत, ब्रश, ब्रश तो आपको पता ही है कैसा ब्रश होता है ना, तो वो दोनों मिलकर के टूथ ब्रश हमारा हो गया. ऐसे ही मोटर अलग होती है, साइकिल अलग होती है, लेकिन हमने इन दोनों शब्द को जोड़कर ये मोटरसाइकिल बना दिया, ब्लू प्लस वेरी. ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, ये हमारा एडजेक्टिव और नाउन का था. अब हम आते हैं वर्ब और नाउन के लिए. वर्ब तो आपको पता ही है, जो भी काम क्रिया वगैरह हो रही है. तो यहाँ पे स्केयर प्लस क्रो, स्केयर क्रो, स्विमिंग प्लस पूल, स्विमिंग पूल, है ना. वर्ब के साथ अगर हम प्रीपोजिशन जोड़ दें तो देखो एग्जाम्पल, टर्न है ना वर्ब, प्रीपोजिशन क्या है, ओवर, टर्न ओवर, तो टर्न ओवर बन गया. वर्ब में एडवर्ब जोड़ा, मान लो वर्ब क्या हमारी यहाँ पे, लुक, ड्रॉ, एडवर्ब क्या हमारी, आउट, बैक, तो हमने लुक और आउट को जोड़ा, लुक आउट हो गया, ड्रॉ और बैक को जोड़ा, ड्रॉ बैक हो गया. देयर आर अदर कॉम्बिनेशन टू, और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं इनके बेटा, है ना. फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन पढ़ते हैं. तो कंपाउंड नाउन्स कैन बी एक्सप्रेस इन थ्री वेज. इन थ्री वेज में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं,
ओपन फॉर्म में दैट इज कंपाउंड नाउन विथ स्पेस बिटवीन वर्ड्स. जब दो वर्ड्स के बीच में स्पेस हो तो ओपन फॉर्म कहलाता है. जैसे पोस्ट और ऑफिस के बीच में स्पेस है, वाटर और टैंक के बीच में स्पेस है, ये ओपन फॉर्म है. हाइफनेटेड फॉर्म दैट इज कंपाउंड नाउन विथ हाइफन बिटवीन वर्ड्स. जब हाइफन होता है बीच में, जैसे सन इन लॉ हाइफन है, डे टू डे हाइफन है, तो ये हाइफनेटेड फॉर्म हो गया. क्लोज फॉर्म में क्या होता है, दैट इज कंपाउंड नाउन्स विदाउट स्पेस और हाइफन बिटवीन वर्ड्स. जब कोई स्पेस ही नहीं होता और ना ही हाइफन होता है, जैसे ये कीबोर्ड और बेडरूम. तो ये हमारे फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन हो गए हैं, है ना. तो बेटा आज का आपका ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है, और जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो आपको भेज दी जाएंगी इमेजेस.